आज हमारे देश में हिजाब और बुर्के को लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है, लेकिन शायद आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसी भारत देश में साल 1924 तक देश के कई हिस्सों में महिलाओं को अपने ब्रेस्ट ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। मूलाक्रम नाम का टैक्स लगता था, जिसके जरिए कलेक्टर आता था, खुद महिलाओं के ब्रेस्ट पर हाथ रखकर उनके साइज के आकार के हिसाब से ये टैक्स तय किया था। ये बात सोचकर जितनी घिनौनी लगती है, सोचिए क्या बीतती होगी। गरीब दलित आदिवासी महिलाओं पर मद्रास में और कई हिस्सों में देश के ऐसा टैक्स 1924 तक लगा है। तो नांगेली नाम की एक महिला थी जिसने इसका खुलकर विरोध किया, अधिकारी के सामने अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट काट कर रख दिए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उसकी चिता में उसके पति ने कूद कर जान दे दी, जिससे क्रांति आई। अंग्रेजों के आने से ये प्रथा खत्म हो गई, लेकिन उच्च जाति और पुरुष प्रधान समाज ने ऐसे घिनौने टैक्स लगाए थे